नमस्कार मित्रों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के एक नए भाग की तरफ बढ़ेंगे। अब तक हमने राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारक और अवधारणाओं का पक जो भाग था उसके बारे में बात की थी। उसमें आगे हम बाद में बात करेंगे। आज मैं एक नए विषय की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ और वो विषय है संविधानों की दुनिया। क्योंकि किसी भी राजनीतिक की हम बात करें, किसी भी देश की राजनीति की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, तो वो राजनीति तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि राज्यों के संविधानों के बारे में हमें जानकारी ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी UNO वगैरह जितने भी संस्थाएं बनी हैं वो सब अपना संविधान बनाते हैं। उसी प्रकार से हर देश अपना शासन चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के संविधान या रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तो हमें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें संविधानों के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें अगर आप राजनीति विज्ञान विषय लेते हो तो उसमें संविधानों का हिस्सा ज़रूर होता है। यानी आप तुलनात्मक राजनीति की बात करें उसमें एक भाग ये होता है कि संविधानों की तुलना, और अगर संविधानों की तुलना न भी करें तो भी राजनीति की तुलना करने में संविधान स्वयं ही सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि संविधान राजनीति का केंद्र है, वहीं से राजनीति आरंभ होती है। वहां तक सीमित नहीं है लेकिन स्टार्ट वहीं से होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संविधान का इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, क्योंकि वो सबसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश का संविधान है। ये तो एक कारण है, बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि वो पहला संविधान है दुनिया का जो सोच समझकर लिखित के रूप में बनाया गया था। इसमें लोगों ने बहस करी और उसके बाद में एक संविधान का निर्माण किया। उसके बाद में दुनिया भर में जितने भी संविधान बने हैं लिखित रूप में, वो किसी न किसी रूप में इस संविधान से उन्होंने प्रेरणा ली है। और ये संविधान जब बना तो इसने भी सबसे पहले जिन जगहों पर कुछ नियम कायदे बने हुए थे, विशेष रूप से इंग्लैंड में जो नियम कायदे बने हुए थे, उनका सहारा लेकर उनको लिखित रूप प्रदान किया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के संविधान की। इस संविधान की कई विशेषताएं हैं जो इसको दूसरे देशों के संविधानों से अलग करती है। सबसे पहली विशेषता तो मैंने बताई आपको, ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न एरा। ऐसा नहीं है कि लिखित संविधान इससे पहले नहीं बनाए गए थे, लेकिन आधुनिक समय में सबसे पहला है ये लिखित संविधान। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें लिखित संविधान की तो मैंने पहले दूसरे संदर्भ बताया था, हमुराई जो बेबुलोनियन का राजा हुआ करता था, उसने उसके जो अवशेष हमें मिले हैं शिलालेख, उसमें शिलालेखों में उसने ये नियम बताया है कि राज्य में शासन कैसे चलना चाहिए। वो तो लगभग 1000 BC की बात है। उसके बाद में यूनान में हम जानते हैं कि अरस्तु ने संविधान का एक स्वरूप प्रदान किया था। उसके बाद रोमन जो आए उन्होंने संविधान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसमें एक थे राजा ड्रेको, उसने एक संविधान बनाया था। और वो संविधान की विशेषता यह थी कि उसमें छोटे से छोटे अपराध पर भी कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान था। इसीलिए आज भी जब कोई ऐसा कानून हो जिसमें हम कहते हैं कि ये कानून बहुत ही ज़्यादा मजबूत है या बहुत छोटे से अपराध के लिए बहुत ज़्यादा सजा का प्रावधान इसमें है, तो हम उसको क्या कहते हैं, आज भी ड्रेकोनियन लॉ।
ये खतरनाक कानून है, ड्रेकोनियन लॉ है। ये इस ड्रेको से डिराइव होता है जिसने जिसने एक संविधान बनाया था। उसके बाद सिसरो ने संविधान बनाया था थोड़ा सा रोमन राज्य में। बाद में मध्य युग के अंदर संविधानों का ज्यादा महत्व नहीं रहा क्योंकि चर्च का महत्व ज्यादा हो गया था। इसके बाद में सबसे पहला संविधान जो सामने आता है वो आता है अमेरिका का, जो 18वीं शताब्दी में बना था। इसके बीच में जिसे हम संविधान का शासन कहते हैं, संविधान के शासन का क्या मतलब, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ का अर्थ होता है कि व्यक्ति का शासन नहीं होगा, व्यक्ति कुछ नियमों से बंधकर चलेगा, राजा का शासन नहीं होगा कि अंतरात्मा का शासन नहीं होगा। ताकि लुई 14 ने कहा था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मैं जो कहता हूं वही राज्य है, ये को सही नहीं मानते संवैधानिक विचार मानने वाले। इसलिए राजा के शासन की अपेक्षा कुछ नियमों का शासन माना जाता है जिसके अंतर्गत राजा भी बंधे हुए हैं। और इसका पहला बड़ा डॉक्यूमेंट जो सामने आया वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसने कुछ ऐसे नियम बनाए जिसमें राजा को मजबूर होना पड़ा कि उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो था, हम सब लोग जानते हैं, वो है मैग्ना कार्टा। सबसे पहले कौन सा बना था, 1215 में मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन, इसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो सामंती जो राजा थे, सामंती शासक थे, उन्होंने इस जॉन पर दबाव डाला कि उन्होंने उनको एक समझौता करना पड़ेगा जिसे उन्होंने मैग्ना कार्टा का नाम दिया 1215 में। यह माना जाता है जिसकी परंपरा निरंतरता आज तक चल रही है, पहला डॉक्यूमेंट है ये, इसकी निरंतरता, जिसकी स्पिरिट की आत्मा आज भी चल रही है। में क्या खास बात थी, दो बातें खास सामने आती है, एक वो, एक तो जिसे आज हम कहते हैं हैबस कॉर्पस, इसका अर्थ क्या है कि किसी भी व्यक्ति को राजा मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल सकता, उसके ऊपर मुकदमा चलाना जरूरी है। आप जेल में 10 दिन 15 दिन रख लीजिए, लेकिन उसको सजा मिलने से पहले उसको मुकदमा चलाना जरूरी है। ही शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। हैबस कॉर्पस क्या होता है, जो आज भी है, कि एक अपराधी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब ही उस पर मुकदमा चलेगा। और आजकल तो बहुत ये जैसे भारत के अंदर ये डायरेक्ट रिट लगती है हैबस कॉर्पस की, कि कोई व्यक्ति को मार दिया गया या कोई व्यक्ति छुप गया तो सरकार पर इल्जाम लगाया जाता है कि सरकार ने उस व्यक्ति को छुपा रखा है या उसको मार दिया और जनता उनके घर वालों को पता ही नहीं है, तो वो हैबस कॉर्पस की रिट लगाते हैं। क्योंकि वो जब पूछते हैं थाने में जाकर, थानेदार कहता हमें बता ही नहीं कहाँ है, तो कहते हैं इसको प्रोड्यूस कीजिए इस आदमी को। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सिटीजन की, नागरिक की रक्षा करे, और नागरिक कहाँ है उसको लोकेट करके बताए, उसके घर वालों को बताए, जनता को बताए। तो 1215 में जो महत्वपूर्ण बात हुई, और बात से बहुत से धाराएं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आई एक हैबस कॉर्पस, यानी किसी भी व्यक्ति को अनंत काल तक उसके घर वालों से छुपाकर कैद करके नहीं रखा जा सकता, उस पर सबके सामने मुकदमा चलाना पड़ेगा, वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें जो सामने आई वो है ड्यू प्रोसेस। यानी उस पर जो मुकदमा चलेगा वो कानून की उचित प्रक्रिया से चलेगा, यानी ऐसा नहीं है कि राजा का एक मैग जो कह रहा हूं वो स्टेट है, राज्य है, कानून की धाराएं, उन कानून की धाराओं में पनिशमेंट रिवार्ड का जो भी सब में दिया गया है उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट ये निर्णय लेगा ड्यू प्रोसेस के बाद में
कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, कितनी सजा मिलनी चाहिए, यह भी आज तक चल रहा है। आप देखेंगे न्याय जो जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहते हैं भारत के संदर्भ में, तो न्यायिक पुनरावलोकन के दो ही सिद्धांत माने जाते हैं। एक है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, दूसरा है प्रोसीजर। एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया का अर्थ है कि कानून में जो नहीं लिखा गया है उसको भी कानून में देखा जा सकता है, यानी उसकी आत्मा क्या है, उसका विचार क्या है, यह कोर्ट तय करता है कि इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसका विचार क्या है यह हम बताएंगे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का अर्थ यह है कि जो कानून में लिखा हुआ है उसी की व्याख्या की जाएगी, जो लिखा हुआ नहीं है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, तब तो यह हो जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आज भी किसमें चलता है, यूएसए में, और ये किसमें चलता है, इंडिया में। इसमें जितने भी व्याख्याएं भारत में होती है, नई नई व्याख्या होती रहती है संविधान की, वो संविधान में लिखे गए शब्दों की या कॉन्सेप्ट की व्याख्या होती है। ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती, कोर्ट ये नहीं कह सकता कि इसमें लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, वो ये कहेगा इसके लिखा हुआ का मतलब ये है, उसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो हम स्वीकार नहीं करते। हालांकि अब इस पे बहस आरंभ हो चुकी है कि भारत में कई ऐसे निर्णय आए हैं जो उचित स्थापित को उचित की तरफ ले जाते हैं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान में एक मूल संरचना है, आधारभूत संरचना है, ये लिखा हुआ नहीं है संविधान में, ये व्याख्या की गई है। जो संविधान के प्रावधान थे उसके प्रावधान की फंडामेंटल राइट्स पर जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो उसकी व्याख्या करते समय ये कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि एक संविधान का एक मूल ढांचा है जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो मूल ढांचा क्या है, इसको हर एक्ट जो आएगा, हर जो मुकदमा आएगा उसमें तय होगा कि ये मूल ढांचा का पार्ट है या नहीं। तो मूल ढांचा शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये जो व्याख्या की गई माना गया ये उचित ड्यू प्रोसेस के द्वारा की गई है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश द्वारा नहीं की गई है, ये विवाद चलता है। खैर, तो मैग्ना कार्टा पहला टेक्स्ट है जिसकी महत्व, जिसका महत्व आज भी है। मैंने बताया आपको ड्यू प्रोसेस एंड हैबस कॉर्पस, ये दोनों आज भी मौजूद चलो बाद भी। तो जो अमेरिका का संविधान बना उसमें जब संविधानकर्ता मिले और बहस कर रहे थे तो उन्होंने मैग्ना कार्टा को अपना आधार बनाया। ये आधार हम मानते हैं, जिसे मैंने बताया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आज भी वहां माना जाता है। तो मैग्ना कार्टा को उन्होंने आधार बनाया। हैबस कॉर्पस का अर्थ है स्वतंत्रता व्यक्ति की, जीवित रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जब तक कि वो कानून न तोड़े तब तक वो स्वतंत्र है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की पहली विशेषता, ये पहला बहस करके कन्वेंशन के द्वारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आधुनिक। दूसरा, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यह अभी भी दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। कैसे है कि इसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं। भारत में कितने हैं जानते हैं, तो ज्यादा अधिकतर संविधान बड़े होते हैं, इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और मजेदार बात यह है कि इसमें अब तक सिर्फ 26 अमेंडमेंट हुए हैं। भारत से तुलना कीजिए, भारत ने संविधान बनाया था 395 आर्टिकल्स और इसमें अब तक संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं, 6 अमेंडमेंट, 106 और कई पड़े हैं अभी, कई रखे हुए हैं। ये कितने कब बना था, 1789 में बन रहा था, 1791 में लागू हुआ था।
और ये बना था 1950 में लागू हो गया था, में कितने साल हुए 75 साल, उसमें 126 छः कर दिए हमने, और ये 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 साल करीब, और अभी तक 26 अमेंडमेंट, जबकि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य होने के कारण से वहाँ पर कितने विवाद होते होंगे, लेकिन संविधान ऐसा बना, इतना मजबूत था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। अधिकतर संशोधन जो है आप जानते हो, पहले 10 जो थे 10 तो हटाई दीजिए, ये तो फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स ऊपर थे, उनको इनोग्रेट किया गया था, तो कुल 16 ही है वहाँ पर, जो छोटे मोटे चीज़ों को उन्होंने बताया, 2-3 संशोधन तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ही है, लेकिन वहाँ संविधान अभी तक चल रहा है, और सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि वहाँ का जो जुडिशरी है वो बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मानती है। इस संविधान की विशेषता यह है, यह एक लगभग आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर बताता है, एक आदर्शवादी संघवादी संरचना को जन्म देता है, संघवादी संरचना है ये। बाद में जितने भी फेडरल सिस्टम बने हैं दुनिया में, उन्होंने सबने इससे प्रेरणा ली है और अपने फेडरल सिस्टम को बनाया। भारत ने भी इससे प्रेरणा ली है, लेकिन हम अंतर करते रहते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, और इसकी विशेषता, फेडरल आइडियल क्यों माना जाता है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून बन सकते हैं, जो विषय है, उसमें भी डिवीजन किए गए कि ये विषय तो केंद्र के पास रहेंगे, ये राज्य के पास रहेंगे, और जो विषय इसमें नहीं है वो राज्यों के पास रहेंगे। रेजिडुअल पावर लाइज विथ स्टेट्स नॉट विथ सेंटर। भारत में उल्टा है, भारत में क्या है, रेजिडुअल पावर लाइज विथ द सेंटर। हमारे यहाँ कहते हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म की बात करते हैं, जबकि ये पूर्णतया एक आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर है। इसकी तुलना की जाती है स्विस फेडरेशन से। स्विस फेडरेशन दूसरा एक्सट्रीम है, उसमें सेंटर के पास कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, वहाँ सेना है ही नहीं, सेना का कमांडर भी नहीं होता वो। तो स्विस फेडरेशन तो बिल्कुल एक्सट्रीम है फेडरेशन का, ये आइडियल है। बाद में दूसरे जो है वो सेमी फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। चौथी बात, इसमें हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक हैं, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता होती है। हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही है, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कुर्सी कौन सी है, वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये तीसरी बात है इसकी। चौथी बात इसकी है, जो हम कह सकते हैं, इसकी जुडिशरी। इसकी जुडिशरी विशेष प्रकार की है। आप देखेंगे कि इसकी जो न्यायालय है, न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल कोर्ट जिसे कहते हैं, उनका चयन तो राष्ट्रपति करता है सीनेट के अप्रूवल से, लेकिन वो चयन करने के बाद में वो उम्र भर के लिए जज होते हैं। भारत में जजों की क्या है, एक लिमिट है 65 इयर्स सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा माना जाता है कि 65 इयर्स में, आज की तारीख में तो 65 इयर्स बहुत कम हो गए, पहले तो बहुत होते थे, तो जीवन की आपकी जो समय है वो बढ़ गया है, 65 के बाद में आप बहुत सालों तक जीवित रहते हो। तो
भारत जैसे देश में या दूसरे देशों में माना जाता है, अगर आपने लिमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट के जज की एज, तो वो रिटायरमेंट के बाद में कुछ चाहेगा कि मेरे को कोई पोजीशन मिले, तो वो वीक हो जाएगा, कमजोर होगा जब वो निर्णय देता होगा। यहां पर जुडिशरी को फ्री रखने के लिए उनका, एक बार अगर जज बन गया तो मरते समझते रहेगा, उससे पहले वो इंपीचमेंट से हटाया जा सकता है, जो बहुत कम होता है, और या वो रिजाइन कर देता है, मूलतः वो हेल्थ कारणों से रिजाइन कर देता है। 75 साल के हो गए, उसके बाद वो सोचता है यार अब कौन माथा पूरी करे, छोड़ो बहुत हो गया। तो आप 55-60 साल में जज बने और 25 साल तक जज रहे, उसके बाद में आप छोड़ दो, 15 साल तक 20 साल तक रहने के बाद। ये चार विशेषताएं प्रमुख मानी जाती है। और अंतिम विशेषता एक और है प्रमुख, तो क्या है पांचवी, वो है चेक एंड बैलेंस। बैलेंस या सेपरेशन ऑफ पावर, यहां पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन तीनों में अंतर किया जाता है। आप ये देखेंगे ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये फिर पहला संविधान है आधुनिक समय का जिसने जुडिशरी को एक सेपरेट, एक अलग संस्था के रूप में सामने रखा। इंग्लैंड में आज भी जुडिशरी अलग नहीं है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर ही जुडिशियल डिसीजन देते हैं, यानी लेजिस्लेचर के मेंबर, जो व्यवस्थापिका के सदस्य ही काम करते हैं, किसका, न्यायाधीश का। यहाँ पर न्यायाधीश के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, ये एक और विषय। यहाँ पर एक तीसरी ब्रांच खोली गई पहली बार आधुनिक समाज राज्य में, कि कानून बनाने वाला अलग होगा, कानून लागू करने वाला अलग होगा, और कानून के बारे में निर्णय लेने वाला अलग होगा। इन तीनों की पावर शक्तियां अलग अलग होगी, वितरित होगी, और तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। चेक एंड बैलेंस कैसे, कि कोई भी तीनों में से एक भी संस्था अगर सोचे कि ये कानून नहीं बनना चाहिए तो कानून नहीं बन सकता है। सबसे ज्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति ने कानून बनाया, उसका अनुमोदन कांग्रेस, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से बनती है, लेजिस्लेचर है, उससे अनुमोदित होना जरूरी है। वो अगर अनुमोदित ना हो तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। बहुत से ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ कांग्रेस के पास है, जैसे युद्ध डिक्लेयर करने की शक्ति केवल कांग्रेस के पास है। भारत में युद्ध डिक्लेयर करने की शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट युद्ध डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक कि कांग्रेस ना कहे, और आप देखेंगे कि युद्ध डिक्लेयर पिछले 50 साल के युद्ध करते रहते हैं, अमेरिका बहुत से युद्ध किए, लेकिन वो फॉर्मली दे कैन नॉट डिक्लेयर इट इज ए वॉर। ये बहुत बड़ी, क्योंकि उससे क्या होता है, फॉर्मली डिक्लेयर नहीं होता था, हर बार राष्ट्रपति चाहे कहीं पर आक्रमण कर रहा हो अपने देश का, हर बार उसको बजट से पैसे पारित करवाने पड़ते हैं कांग्रेस से, हर अटेम्प्ट के लिए, कि आज हमको अफगानिस्तान में सेना भेजनी है, इतने पैसों का बजट चाहिए, हमको आज इराक पे बम गिराने इतना बजट चाहिए, उसको हर बार जिग-जिग करनी पड़ती है सीनेट में। अगर सीनेट डिक्लेयर कर देती है वॉर है, तो फिर पैसा पास कराने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनेट ने खुद ने डिक्लेयर किया है, पैसा पास हो जाता है आराम से। ये बहुत बड़ी शक्ति है कांग्रेस की प्रेसिडेंट के ऊपर। फिर प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट हो सकता है, पद से हटाया जा सकता है बहुत से कारणों से, और वो मुकदमा चलता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सीनेट में, और उस मुकदमे के अंदर राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है चीफ जस्टिस, वो सीनेट को प्रिसाइड करता है जिस समय मुकदमा चल रहा हो। तो ये चेक एंड बैलेंस है राष्ट्रपति पर, इस पर बैलेंस है कांग्रेस पर, कि ये कोई प्रस्ताव पारित करके दे तो प्रेसिडेंट उस पर वीटो लगा सकता है, तो प्रस्ताव को नहीं माने। जज जो है उन पर ये चैलेंज है कि उनको बनाता ही राष्ट्रपति है और कांग्रेस की सहमति से बनाता है, और वो उस पर चैलेंज चेक ये करते हैं कि वो अगर किसी कानून को नल एंड वॉइड कर दे तो वो कुछ नहीं कर सकते दोनों। तो इस तरह से ये एक अनूठा संविधान है जिसको, जिसकी ये विशेषताएं हैं, और जिसके कारण से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ
संविधान इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें अब तक बहुत कम संशोधन हुए हैं और वो जो देश है वो आज भी सबसे शक्तिशाली देश बना। चलिए आज इतने करते हैं, कल इसको आगे करेंगे।